प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। और गुरु की शरण में बैठकर आपको वो विधि सीखनी चाहिए, कैसे अपने मंत्र को साधें और कैसे अपने मन को साधें, कैसे अपना ध्यान जोड़ें और कैसे अपने मंत्र की सिद्धि प्राप्त करें। सबसे बड़ी शक्ति आपको अपने मंत्र से मिलती है। गुरुजन आपको जब मंत्र सिद्धि के विषय में सिखाते हैं तो ये बात याद रखिए कि चाहे सती अनुसुईया क्यों ना हो, जिसके दर पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जिसने बौना बनाकर छोटा बच्चा बनाकर बैठा दिया अपनी तपस्या के बल पर, वशिष्ठ और अरुंधति अपने तप के बल पर भगवान श्री राम के सदगुरु बने वशिष्ठ, और आकाश के नक्षत्रों में से एक नक्षत्र का नाम अरुंधति है और एक का नाम वशिष्ठ है। यह तप आपको आसमानों तक पहुंचाता है। ये मत सोचिए कि यह कलयुग है, इसमें भक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। हर युग में भक्ति चमत्कार करती है। परमात्मा की कृपा हर पल हर क्षण हर किसी के ऊपर हो सकती है, बस ठीक से विधि आ जाए आपको। और जब आपको ठीक विधि आ जाए और सच्चा भाव, तो ये याद रखिए वो सच्ची भाव भावना आपके ऊपर चमत्कार जैसा कार्य करती है। दादू दयाल बहुत भावना में प्रार्थना करते थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रार्थना जरूर किया करता है। कभी हम खुशी में करते हैं, कभी गमी में करते हैं। जब कोई सहारा नहीं होता तो भगवान को सहारा बना करके हम कहते हैं अब कहीं और आस नहीं, अब तेरी आस है। तो दादू दयाल ये कहते थे कि भगवान के साथ ऐसे ही बात करो जैसे आप अपने सगे से करते हो। तो कभी कभी आंख में प्रेम के आंसू लेकर के बैठना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को एकांत सेवन करते हुए अपने मन को चित्त को अपने प्रभु से जोड़ना चाहिए। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यचित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। कृष्ण समझाते हैं कि एकाकी होकर निराशी इच्छा रहित होकर नित्य निरंतर अपने आप को अपने प्रभु में जोड़े रहो। और जब आप सतत अपने आप को जोड़ेंगे तो उस प्यारे प्रभु की कृपाएं आपके हृदय में उतरने लगती हैं। आपके घर में एक स्थान ऐसा जरूर बनाओ जहां आप बैठकर भगवान की वंदना कर सको। ये जो आप अपना मंदिर, जिसको आप स्टोर रूम भी बना लेते हैं, दुनिया भर की चीजें उसी में डाल दी, एक खाली जगह पड़ी हुई है, इसमें कुछ सामान और भी आ जाए। कोई खड़े खड़े भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, भगवान को ऊपर टांगा हुआ होता है, और जब वो टांगेगा तो उससे ये पता लगता है कि आप कितना महत्व देते हैं भगवान को। दुनिया से मिलने के लिए जब आप ड्राइंग रूम बनाते हैं बड़ा सजावटी, और दुनिया के मालिक से मिलने के लिए आप कोई कोना ऐसा, दुनिया भर की चीजें भर दी उसमें,
ऐसा स्थान बनाइए जिसमें बैठकर सबसे पहले आपको पवित्रता का एहसास हो, क्योंकि वो पवित्र स्थल है। दूसरा, शांति अनुभव हो। तीसरा, अपने से अपनी बात कहने के लिए इतना अकेलापन हो कि मेरी तेरी बात बस तू जाने, मैं जानू और कोई ना सुने। महत्व देना सीखिए। महत्व दोगे तो बात बनेगी। तो आपको समझ में आ गया ना जो मैंने कहा? आपके घर में वो स्थान जो पवित्र स्थान है, जो शांत स्थान है, जो प्यारे से मिलने का स्थान है, वहां ताजी हवाओं का आना जाना होना चाहिए। वो स्थान ऐसा हो सूर्य देवता की किरणें भी जरूरत पड़े तो आने देना। और कोशिश करो, हिमालय में जैसे ठंडक होती है ना, तो एक वातानुकूलित स्थिति भी जरूर बनाओ, न गर्मी न सर्दी। आपका हिमालय आपके घर में उतर आए और वहीं बैठकर आप योगी बनकर भगवान से जुड़ सकते। और फिर जब आप बैठकर शर्तें लगाते हैं ना भगवान से, तो आपकी शर्तों को भी मानता है वो। दादू दयाल बोलते थे, तो निभे जन सेवक तेरा। भगवान तेरे सेवक की तो तब निभेगी कि तू कुछ बात मेरी भी मान। तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, साहिब मेरा। तो निभे जन सेवक तेरा, कि भगवान तेरे सेवक की तब निभेगी तेरे साथ जब तू तो बिना शर्त के अपने बच्चे पर दया करने वाला बन जाए। जो हम तोरे तू नहीं तोरे, जो हम तोरे तू नहीं तोरे, हम तोरे तो तू तो जो रे। हमारी तरफ से तो टूट जाए पर तू रिश्ता टूटने ना दे। हम यदि जोड़ने की कोशिश करें और तू फिर आन पर आ जाए कि नहीं मैं नहीं जोड़ने दूंगा, नहीं तो फिर भी तोड़ना नहीं। तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसी दया करो, ऐसी दया करो साहिब मेरा। हम बिसरे तो तू न बिसारे, हम बिसरे तो तू न बिसारे, हम बिगरे तो तू न बिगाड़े, हम बिगरे तो तू न बिगाड़े। ऐसी दया करो साहिब मेरा, साहिब मेरा।
हम भूल जाएं तो ना भूलें, हम कोई ऐसी चीज कर बैठे कि बात बिगड़ जाए पर तू बिगड़ने ना दे, तब तो निभेगी तेरी मेरी, नहीं तो निभनी बड़ी मुश्किल है भगवान, क्योंकि हम तो गलतियां करते ही जाते हैं, खोट से भरे हुए हैं। हम भूले तो तू आन मिलाए, हम भूले तो तू आन मिलावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगावे, तो निभेजन सेवक तेरा। बहुत प्यारे भाव आया, ये संतों की वाणी जब आप लोग पढ़ते और सुनते हैं ना, अद्भुत है ये। तो आपसे ये कहूंगा सबसे, भक्ति भाव से बैठना सीखिए, घर में स्थान बनाओ जहां आप अपने हृदय की बात भगवान से कह सको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर फिर लौटना नहीं चाहोगे वही धाम है मेरा, वहां रहता हूं मैं, वहां के लिए बुलाता हूं मैं। वो धाम ऐसा है कि वहां सूरज नहीं चमकता लेकिन प्रकाश करोड़ों सूरज के बराबर है, चांद तारे नहीं है लेकिन करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं और नक्षत्रों की शीतल रोशनी वहां पर है, वहां कोई ज्योति जल नहीं रही, कोई आग नहीं है लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रेम की ज्योति जल रही है। वो धाम ऐसा है कि तुम अगर पहुंच गए वहां, भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लौटना नहीं चाहोगे तुम, क्योंकि यहां इस दुनिया में हर चीज की विपरीतता है, यहां हर चीज के दो रूप हैं, सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ है, संयोग है तो वियोग भी है, आना है तो जाना भी है, पाना है तो खोना भी है, मिलना है तो बिछड़ना भी है, लेकिन वहां किसी भी चीज का दो रूप नहीं है। इस दुनिया में कंट्रास्ट में चीजें रखी गई हैं, आपका एक हाथ कठोर एक कोमल, आपके मस्तिष्क के दोनों ब्रेन लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, एक मां वाला है एक पिता वाला है, एक तर्क वाला है एक इमोशन वाला है। इस दुनिया में हर चीज एक जैसी जो दिखाई देती है उससे विपरीत चीजें सामने होती हैं, यही इस दुनिया का सौंदर्य भी है, इसलिए संसार सुंदर भी लगता है। मीठा खाते खाते आप उकताओगे तो फिर नमकीन चाहोगे, नमकीन खाते खाते फिर पानी की प्यास लगेगी, एक दूसरे के विपरीत चीजें हैं। गर्मी से उकता गए तो आपने कहा भगवान बारिश कर, फिर बारिश से उकता गए तो उमस आ गई, आप कहते हैं थोड़ी ठंडी हवाओं चलाओ, हवाएं आएंगी ठंडी तो फिर कहेंगे थोड़ी गुनगुनी धूप आ जाए और फिर थोड़ी सर्दी आ जाए, कड़ाके की ठंड पड़ने लग जाए तब फिर आप कहते हैं कि भगवान फिर से तीखी धूप दे दीजिए, और मौसम बदलते हैं, हर मौसम फिर आपकी जिंदगी के लिए आनंद भी लेकर आता है लेकिन उसकी अति होते ही आप उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, यही है ऋतुओं का सौंदर्य,
इसी तरह से जीवन चलता है। लेकिन यहां हर चीज से आप उकता जाते हो, लेकिन जहां जाकर आप उकताओगे नहीं, जहां पहुंचकर आपको पूर्ण शांति मिले, पूर्ण प्रेम मिले, क्योंकि हम सभी लोग उस पूर्णता की तलाश में हैं जो केवल परमात्मा से मिलता है। तो क्या करना होगा? अपने भगवान की शरण में जाने के लिए अपना आसन संभालने वाले बनिए। 20 मिनट तो कम से कम स्थिर होकर बैठा करो। दूसरा, जब भी आप बैठते हैं तो भाव विभोर होना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले मूड बना लिया करें। मूड बनाओगे उसमें, जैसे सुबह आपको बताया था ना, ध्यान सत्र में आपको बता रहे थे कि भगवान की कृपाओं को याद करते करते आप उसके प्रति आभार व्यक्त करें, और जब आभार हृदय से कर रहे होते हैं तो आपके अंदर भाव भावना बनती है, मूड बनता है, और उसी समय आप गदगद होकर जब अपने प्रभु को पुकारते हैं, बस वहां से आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। और ऐसे ही आप जल्दी जल्दी गए और कोई मंत्र कुछ पाठ किया, और उसके बाद आपने अपने इच्छाओं की सूची, डिमांड लिस्ट भगवान को सौंपी, और आप जल्दी जल्दी बोल के भगवान ये काम आपने कर देने हैं, बाकी कल वाले कल बता दूंगा, तो ऐसा लगता है कि हम भगवान को भी यूज करना चाहते हैं और समझते हैं बस हम ही चालाक हैं, भगवान तो बहुत भोले भाले हैं, चालाकी में आ जाएंगे भोले, पर वो भी तो भोले भाले हैं, भोलों के लिए भोले हैं और बाकियों के लिए तो भाले हैं। इसलिए चालाकी वहां नहीं चलती। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, दुनिया को डराने वालों को डराने वाली शक्ति का नाम भगवान है। रक्षा करने वालों की रक्षा करने वाला भी भगवान है। ऊंचे पद पर बैठे हुए को भी ऊंचे पद पर बैठाने वाला, परम पद पर बैठाने वाला परमात्मा है। सबसे बड़ा पद तो उसी का है। और दुनिया को कुछ बांट रहे हो, कोई भी कुछ भी, उनकी झोली में भी झोलियां भरने वाला कोई तो है, उसी का नाम तो भगवान है, उससे बढ़कर क्या है दुनिया में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह दिनांक 21 जून 2024, कार्यक्रम की रूपरेखा योग कार्यक्रम, प्रातः 8 से 9 बजे आशीर्वचन परम पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी, प्रातः 9 से 10:30 बजे स्थान आनंदधाम आश्रम, आयोजक विश्व जागृति मिशन इंटरनेशनल योग स्कूल। संपर्क सूत्र, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024, कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 20 जून 2024, समय दोपहर 12 से 2 बजे, स्थान श्री धाम आश्रम आदि विश्वनाथपुरा राजन कुंटे बैंगलोर। 21 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। 22 जून, पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग, समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून, समय प्रातः 10 से 12 बजे, विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह, समय दोपहर 12:30 से 1 बजे, स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर 31st Cross 4th Block जयनगर बैंगलोर, आयोजक विश्व जागृति मिशन बैंगलोर। संपर्क सूत्र, परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून, कार्यक्रम की रूपरेखा 29 जून आशीर्वचन सायं 5 से 7 बजे, स्थान
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, जीई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 30 जून गुरुदर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन, प्रातः 8:30 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुमारी, दुर्ग। आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है, और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्ति पाठ क्रिया, साय 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।